नमस्कार दोस्तों, मैं अंशराज और आप देख रहे हो श्री विनायक मोटर्स। आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम ओवर हीटिंग के बारे में। मेरे पास आई हुई है स्विफ्ट 1.3 डीजल वेरिएंट। ये गाड़ी थोड़ी देर चलने के बाद ओवर हीटिंग हो जाती है, टेम्परेचर फुल चला जाता है, फिर गाड़ी थोड़ी देर खड़ी करती है तो फिर गाड़ी ठंडी होने के बाद गाड़ी सही चलती है। ओवर हीटिंग के बाद ना तो इसका ऐसी काम करता है, गाड़ी दबने लगती है। तो इसको डायग्नोस करेंगे। डायग्नोस करने के लिए पहले हम इसका कूलेंट चेक करेंगे। कूलेंट चेक के लिए कूलेंट भी सही है, वाटर पम्प भी सही निकला, रेटर भी इसका चौक नहीं। इसके अंदर प्रॉब्लम थी थर्मोस्टेट वाल के अंदर, तो वो वाल रिप्लेस करने से इसकी प्रॉब्लम मिट गई। तो उस प्रॉब्लम को कैसे मैंने डायग्नोस किया आप उसका वीडियो आगे देखिए। तो फ्रेंड्स, हमने इसके यहाँ से पाइप हटा ली है। सबसे पहले ऐसी कंडीशन में गाड़ी अगर पानी सर्कुलेशन ना हो, इसमें प्रॉब्लम थी कि गाड़ी ओवर हीटिंग हो रही थी और जो नीचे वाली पाइप थी वो गर्म थी, ये ऊपर वाली पाइप बिल्कुल ठंडी थी। तो इसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि इसका थर्मोस्टेट वाल है। मैंने पाइप हटा के एक बार दिखाता हूँ, ये आपको ये देखो अंदर से टूटा हुआ है। एक सेकेंड, ये देखा, ये देखो ठीक है, ये टूटने के कारण ही गाड़ी ओवर हीटिंग हो रही थी। इसका कूलेंट इसके अंदर सर्कुलेशन नहीं हो रहा था। इसको खोलते हैं फिर बाहर निकाल के फिर आपको और अच्छे से दिखाते हैं। प्रोसेसिंग देखने के कंटिन्यू वीडियो देखते रहिए। तो फ्रेंड्स, हमने इसका थर्मोस्टेट वाल या एल्बो जिसे हम बोलते हैं वो यहाँ से रिमूव कर लिया है। ये दो पाइपें होती है, एक यहाँ पे छोटी पाइप आती है, T45 के दो बोल्ट आते हैं। इसका ये एल्बो है, देख सकते हो। ये मैंने खोल के इसको आपको वाल दिखाने के लिए इसको खोला, ये कैसे टूट रखा है। ये अंदर टूट के और आगे चला जाता है और यहाँ से ओपन नहीं होता, फिर यहाँ पे हो जाता है फिक्स। ये ओपन नहीं होने के कारण क्या है, इसका पानी कूलेंट सर्कुलेशन नहीं होता, उस कारण गाड़ी गर्मा रही थी, अंदर गैस बना रही थी। तो ये इसका न्यू एल्बो है MGP का 1520, जिसके MRP अभी 1606 है। ये देखो मारुति का जीनियन एल्बो है, ये इसके अंदर इंस्टॉल करेंगे। न्यू ऐसे आता है और इसके अंदर ये प्रॉब्लम थी कि ये सामने से यहाँ से देखो ये छेद हो गया ना, ये टूट गया, उस कारण इसकी जो वाल की ठोकर आती है ना वो आगे चली गई और वाल ओपन नहीं हो पाया। ये इसका रीज़न है टूट गरमाने का। तो इसका न्यू एल्बो इसके अंदर इंस्टॉल करेंगे। यहाँ पे इस पर हल्का सा ग्रीस लगा लेंगे ताकि ये सील कटे ना। तो इसको इंस्टॉल करते हैं, बाकी फिर स्टार्ट करके देखते हैं पानी कम हो रहा है या गर्मा तो नहीं रही गाड़ी। तो फ्रेंड्स, हमने एल्बो की कंप्लीट फिटिंग कर दी है, कूलेंट वूलेंट गाड़ी के अंदर डाल दिया, बैटरी लगा दी। अब गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट कर दिया, अभी कोई लकी जो कीज कुछ भी नहीं है। अब इसको स्टार्ट करके 10-15 किलोमीटर ट्रायल लेते हैं और इसका लकी टेस्ट करते हैं, फिर इसका कूलेंट टॉप अप करते हैं, पहले इसका एयर फिल्टर लगा के फिर देखते हैं गाड़ी में प्रॉब्लम है या सॉल्व आउट हो गई। तो फ्रेंड्स, मैंने इसका टेस्ट ड्राइव कर ली 5-6 किलोमीटर की, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है गाड़ी के अंदर, बाकी सब ठीक ठीक है। वो गर्माने का यही कारण था कि इसका थर्मोस्टेट वाल अंदर से टूट के जाम हो गया था, वो ओपन नहीं हो रहा था, इसलिए पानी सर्कुलेशन नहीं हो रहा था, उस कारण गाड़ी गर्मा रही थी और एल्बो डालते ही प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो गई। ठीक है फ्रेंड्स, जय हिंद।